नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कहते हैं गणेश जी को समृद्धि और बुद्धि का देवता माना जाता है। हर साल गौरी पुत्र गणेश 10 दिन के लिए कैलाश से धरती पर भक्तों के बीच आते हैं और उनके कष्ट दूर करते हैं। ऐसे में इस साल गणेश चतुर्थी कब है, 10 दिन तक गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं, क्या गणेश चतुर्थी के दिन से बदलने वाली है कुछ राशियों की किस्मत, ग्रह नक्षत्रों की चाल कितना बदलने वाला है, पूजा से लेकर बीज मंत्र तक के बारे में हमारे ज्योतिष आचार्य आपको बताएंगे। बप्पा कैसे करेंगे संकट दूर, क्या उपाय करने हैं, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी। नीति जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिष आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी। करिश्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। तो जो हमें गणेश चतुर्थी की पूजा में करनी चाहिए, विधि विधान क्या हैं, उपाय क्या हैं और राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव, यह आज हम जानेंगे हमारे ज्योतिष आचार्य से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में, जानते हैं कि आखिर महत्व क्या है गणेश चतुर्थी का। तो नीति जी बताइए, क्या महत्व है गणेश चतुर्थी का? सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी का जन्म उत्सव है। आज के दिन गणेश जी का प्राकट्य एक प्रकार से हुआ था। माता पार्वती जब स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने अपने शरीर की मैल से एक आकृति बनाई और उस आकृति को गणेश जी के रूप में अपने ग्रह द्वार पे एक द्वारपाल की तरह वहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद जब भगवान शिव वहाँ पे आने का प्रयास किया तो गणेश भगवान ने उनको रोका, जिसकी वजह से गणेश भगवान और भगवान शिव, जो उनके पिता भी माने जाते हैं, उनके बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश भगवान जी का सर काट दिया। और उसके बाद जब माता पार्वती को पता चला तो वो दुख और विलाप करते हुए बाहर आई और भगवान शिव ने उसके बाद गजानन यानी कि गज का शीश उनको अर्पण किया, जिसकी वजह से उनका नाम गजानन भी पड़ता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव बनाया जाता है। भगवान गणेश के लिए आप कहते हैं कि गण का अर्थ है समूह और ईश का मतलब है स्वामी। गणों के स्वामी, शिव गणों के स्वामी, देवता गणों के जो स्वामी हैं वो भगवान गणेश हैं। प्रथम पूजनीय हैं, विघ्न विनाशक हैं, सिद्धि विनायक हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। आपके जीवन में मंगलकारी सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को माना जाता है। और मुहावरा भी आजकल बड़ा प्रचलित हो गया है कि कोई अगर शुभ कार्य प्रारंभ करना है तो आइए श्री गणेश करते हैं। बिल्कुल, तो महत्व क्या है गणेश चतुर्थी का और क्या इसकी कथा है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन कब मनाया जा रहा है, मुहूर्त क्या है, ये जानेंगे राकेश जी से। राकेश जी, देखिए गणेश चतुर्थी का जो पर्व है और जो व्रत भी है, क्योंकि इस 10 दिनों तक चलने वाला एक महोत्सव है या कह लीजिए कि व्रत है, जिसमें लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश की पूजा करते हैं। विघ्नहर्ता कहा जाता है, हर प्रकार के विघ्न पर नियंत्रण रखने वाले जो हैं वह श्री गणेश हैं। तो इस बार जो गणेश चतुर्थी है, अक्सर हर व्रत त्यौहार में सनातन में भ्रम आ जाता है, तो इस बार भी 6 तारीख और 7 तारीख को लेकर के भ्रम है। तो लेकिन इस बार जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, जो गणेश स्थापना है, वह 7 सितंबर को किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि रात्रि बेला तो चतुर्थी मिल रही है 6 तारीख को, लेकिन आप देखेंगे कि 6 तारीख को विशेष रूप से भद्रा आरंभ होकर के 7 तारीख को संध्या बेला तक 5:38 तक भद्रा है। कहते हैं कि इस बीच जो है अपने गृहस्थ जीवन में, खास करके जो गृहस्थ जीवन में लाएंगे, घर में गणेश जी को लाएंगे, उनको थोड़ा सा बर्ताव करना चाहिए। ऑफिस कार्यालय इत्यादि पर या अपने जहां कंपटीशन की भावना है वहां विजय हेतु अगर कर रहे हैं तो भद्रा में कोई बर्ताव नहीं करना है, लेकिन गृहस्थ जीवन में आपको 7 सितंबर के दिन ही अपने घर में संध्या बेला के बाद आप 5:40 के बाद श्री गणेश जी की स्थापना अपने घर में करेंगे और अगले 10 दिवस तक
आप विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे। और यह गणेश चतुर्थी बहुत खास है, चार चार सिद्धि योग मिल रहे हैं, सर्वाध सिद्धि योग मिल रहा है, सिद्ध नक्षत्र योग मिल रहा है, सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, राजपद योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि अगर व्यापार में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, आपका कंपटीटर आपके लिए शत्रु भावना से देख रहा था, आपको पराजय करने के लिए हमेशा देख रहा है, तो ऐसी अवस्था में इस गणेश चतुर्थी अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो आपके लिए हर प्रकार की विघ्न बाधा से मुक्ति दिलाने वाला यह गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए शुभ मुहूर्त क्या है, क्या मान्यता है, कौन से योग बन रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब जानने का वक्त हो चला है कि आखिर गणेश उत्सव 10 दिन तक क्यों मनाया जाता है। करिश्मा जी, 10 दिन तक क्यों? देखिए गणेश जी का, जैसे कि अभी नीति जी ने बताया कि ये जो दिन होता है भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ये जन्मोत्सव है। और ये भगवान श्री गणेश, कहते हैं ना कि भगवान श्री गणेश जी की ही उपनाम लेकर के आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप किसी भी समस्त संसार में किसी भी देवी देवता का नाम ले लीजिए, मगर अगर आप गणेश जी का नाम नहीं लेंगे तो वो कार्य है वो अपूर्ण माना जाता है, उसका आपको सही फल नहीं मिलता। तो भगवान श्री गणेश जी एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना का विशेष महत्व है। और 10 दिन का अर्थ हम देखें तो जिस दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव हुआ, जैसे कि माता पार्वती ने उनको प्रतिमा स्वरूप बनाया और उनमें जान डाली, उसके बाद जो है भगवान शिव ने उनका शीश जो है वो काट दिया था। तो भगवान शिव ने जब माता पार्वती ने जो है काली का स्वरूप ले लिया था कि उनके पुत्र को वापस से जीवित किया जाए, तो वो समय जो था जो युद्ध का समय चला, और उसके बाद भगवान शिव ने ये बात कही कि जो भी संसार में जो भी जीव अपनी जो जो संतान है उसकी माता उससे दाहिने ओर मुख करके अगर सो रही है तो उस जीव का सर, यानी कि उस शिशु का सर लेकर के आए। अब संसार में कोई भी वो जीव जंतु हो सकते हैं, तो भगवान विष्णु जो है गज मुख लेकर के आए थे। तो जो ये समस्त चीज़ें जो हुई ये इन 10 दिनों के दौरान हुई, और जो उनका शीश लगाया गया वो गणेश चतुर्दशी तिथि के दिन लगाया गया था। और इसीलिए ये जो 10 दिन का समय माना जाता है ये उनके ही प्रारंभ की जो एक नई दिशा थी, यानी कि उनका एक नया स्वरूप जो प्रारंभ होने वाला था, उसके लिए इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। बिल्कुल, तो गणेश चतुर्थी की क्या मान्यता है, क्या कथा है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा ये जानने का वक्त हो चला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से, तो करिश्मा जी मेष राशि के लिए बताइए कितना खास रहेगा गणेश चतुर्थी का दिन। देखिए जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि ये जो इस बार की गणेश चतुर्थी पड़ रही है, यानी कि जन्मोत्सव पड़ रहा है, चतुर्थी का नाम नहीं कह सकते क्योंकि ये 10 दिन का महोत्सव होता है, तो ये महोत्सव हर एक को मनाना चाहिए इस बार क्योंकि इतने खास योग पड़ रहे हैं। तो इसलिए मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि के लिए बहुत ही खास योगों के साथ ये समय आया है, और जितने भी विघ्न आपके जीवन में आ रहे हैं, जिन भी चीज़ों से लेकर के अभी तक आप परेशान थे या बाधाएं आ रही थी या परेशानी हो रही थी जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे थे, वो काम इस समय पे होंगे। वृषभ राशि की बात करेंगे तो राकेश जी बताइए वृषभ राशि के लिए कितना खास होगा। देखिए वृषभ के लिए जो विशेष रूप से यह गणेश उत्सव जो है, खास करके क्योंकि चतुर्दशी इस चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है तो आरंभ की तिथि का महत्व लिया जाएगा, तो वृष राशि वालों के लिए क्योंकि चंद्रमा यहां पर उच्च का प्रभाव देता है, तो ऐसी स्थितियों में वृष राशि वालों के लिए यह समय भटकाव का है, मानसिक भटकाव के लिए लेकर के आएगा, और वहाँ पर मानसिक भटकाव दे करके हो सकता है चारित्रिक रूप से भी भटकाव दे दे, तो ऐसी स्थितियों में हर प्रकार के विघ्न बाधा से मुक्ति के लिए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो स्थिरता लाने के लिए, जो कमाई है उसमें स्थिरता लाने के लिए, स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए विशेष रूप से गणेश जी की अहम भूमिका मानी जाती है, तो ऐसे अवसर में विशेष रूप से गणेश चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक 10 दिनों में किसी भी दिन आप ले लीजिए हल्दी से रंगा हुआ चावल ले लीजिए और एक बार अपने बाएं हाथ में लीजिए और मंत्र का जाप करते हुए ओम गंग गणपते नमः
और अक्षत जो है, रंगा हुआ चावल जो है, गणेश जी को अर्पित करते रहिए। तब तक मंत्र जाप करिए जब तक कि अंतिम चावल का दाना आप उनको अर्पित ना कर दें, और प्रणाम करके हर प्रकार की विघ्न बाधा से मुक्ति के लिए उनकी प्रार्थना करिए उनसे, और महालक्ष्मी के साथ विराजमान होने की कामना रखिए। ऐसे में कुबेर कुंड आपका पूर्ण रूप से भर जाएगा। बिल्कुल, और इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी भी है। नीति जी बताइए, मिथुन राशि के लिए कितना खास रहने वाला है गणेश चतुर्थी का पर्व? देखिए, मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है और देवता ही गणेश जी हैं, तो उनके लिए तो विशेष प्रभाव रहने वाला है। द्विस्वभाव राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध जो हैं वो मघा नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र से गोचर करते हुए सूर्य के साथ तृतीय भाव में पराक्रम के भाव में युति बनाते हुए बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ साथ एक चीज़ विशेष रूप से देखने वाली बात है, गणेश चतुर्थी के समय चंद्रमा का जो गोचर है वो स्वाति नक्षत्र, जो कि बहुत ही सिद्ध नक्षत्र माना जाता है, वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव से गोचर कर रहा है। पंचम भाव आपके पूर्व प्रारब्ध को दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपके जो रेपुटेशन है और विद्यार्थी वर्ग उनको विशेष रूप से पंचम भाव से हम वहाँ पर देखते हैं। तो इस कालखंड में जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपनी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे सक्सेस मिलती हुई देख सकती हूँ मैं। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली राशि की, कर्क राशि के बारे में जाना जाएगा। तो करिश्मा जी बताइए, कर्क राशि वालों के लिए कितना खास रहेगा? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी हद तक खास रहेगा। जितने भी आपके काम में परेशानी आ रही है वो समाप्त होंगी। वहीं पर जो लोग कला से जुड़े हुए हैं इस समय पे, यानी कि अगर कोई भी आप कला से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं और अगर कला से जुड़ा हुआ कुछ नया कार्य आप करना चाह रहे हैं, कला सीखना चाह रहे हैं, तो खास तौर से आप लोगों के लिए विशेष तौर से ये खास समय रहेगा। वहीं पर अगर धन से संबंधित चिंताएं बनी हुई थी तो वो भी समाप्त होंगी। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो बताइए राकेश जी, की सिंह राशि के लिए कितना खास होने वाला है? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए तो यह पूरा गणेश उत्सव बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, संसप्तक योग का निर्माण बना हुआ है, सप्तम भाव में शनि विराजमान है, और जिस दिन गणेश विसर्जन होगा उसी दिन जो है अपनी राशि से निकल करके बुध की प्रधान राशि में जो है सूर्य गोचर कर जाएंगे, तो ऐसे में इनके लिए बहुत विशेष हो जाता है। जैसे कि पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको अगर सक्सेस पाना है, या फिर वैवाहिक जीवन में शुभता लेना है, विवाह हो नहीं रहा है, रुकावट आ रही है, या विवाह के जीवन में वैवाहिक जीवन में हैं फिर भी वैराग्य समतुल्य विचार आते हैं, यानी कि आपको विरक्त कर रहा है गृहस्थ जीवन से, तो ऐसे में श्री गणेश जी की आज के दिन उपासना जो है वह अद्भुत और अविस्मरणीय फल देने वाली है। अब बात करेंगे अगली राशि की, अगली राशि है कन्या राशि। तो नीति जी, कन्या राशि के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा? कन्या राशि बुध की उच्च राशि है और इसके अंदर इस समय शुक्र और केतु का गोचर हो रहा है, शुक्र यहाँ के नीचे हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत शुभ संयोग बना हुआ है कि गुरु की दृष्टि कन्या राशि पे पंचम दृष्टि पड़ रही है, साथ में बुध जो आपके राशि के स्वामी वो बुध आदित्य योग बारहवें भाव में बना रहे हैं, तो इस कालखंड में कहीं ना कहीं आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से आपकी ट्रैवलिंग में या घर में कोई किसी ना किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की। तो करिश्मा जी बताइए, तुला राशि के लिए कितना खास रहने वाला है इस बार गणेश उत्सव? देखिए, तुला राशि के लिए खास रहेगा। वहीं पर ये जो समय रहेगा कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव दे सकता है। जो मानसिक तनाव अगर आपके मन में पहले से ही है या काम में अगर आपके पहले से ही तनाव चल रहा है तो वो थोड़ा बढ़ सकता है, मगर ये बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं बढ़ेगा। ये केवल 3-4 दिनों के लिए आपको तनाव बना रहेगा, फिर जाके जो चीज़ें हैं वो जब तक आप देखेंगे, इस 10 दिनों तक आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें, तो जो 10वां दिन होगा यानी कि चतुर्दशी होगी, आपके जो काम नहीं बन रहे थे, जो तनाव बना हुआ था या आपके माता का स्वास्थ्य खराब था, वो सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। यानी कि आपको एकदम से लगेगा कि ये सारी चीज़ें जिसमें बाधाएं बहुत सारी आ रही थी वो एकदम समाप्त हो गई। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि है वृश्चिक राशि। राकेश जी बताइए कि वृश्चिक राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है गणेश उत्सव में? जी देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है यह अद्भुत समय है, खास करके वह लोग जो, क्योंकि मंगल विशेष प्रधान राशि है, ये मंगल पराक्रम भाव को दर्शाता है और साथ ही साथ बल भाव को दर्शाता है, तो ऐसे में गणेश जी जो हैं वह हमेशा से
कह लीजिए कि बल बुद्धि दोनों के दाता रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में खास करके जो सबसे पहला स्थान आता है वह है विद्यार्थियों के लिए, और विशेष करके वह विद्यार्थी जो विदेश में जाकर के विद्या अर्जन करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत विशेष समय रहेगा। अगर आप बार बार विफल हुए हैं, विदेश में विद्या अर्जन के लिए प्रयास कर रहे थे, किसी न किसी प्रकार की रुकावट आई है, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आई है, तो अब वह बहुत उचित समय है। और साथ ही साथ उनके लिए जो अब तक व्यापार में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत परेशान थे, यानी कि चाहे वह जो व्यवसाय है वह विवादित हो जाता था, पार्टनरशिप टूट जा रही थी, या फिर आर्थिक रूप से रुकावटें आ रही थी, पैसा ही फंस जा रहा था, विवादित हो रहा था, उन सभी के लिए यह अद्भुत समय है। कच्चे दूध में हल्दी मिलाइए और हल्का सा मिश्री मिलाइए, और गणेश चतुर्थी से लेकर के विसर्जन के दिन से पहले तक किसी भी दिन संध्या बेला में बैठ जाइए अपने घर के मंदिर में और ओम हर्षूनवे नमः इस मंत्र के साथ आप अभिषेक करिए, लगातार धार गिरती रहे और आप ओम हर्षूनवे नमः यह मंत्र आप करते रहें, आपके लिए अद्भुत अविस्मरणीय रिजल्ट देने वाला यह प्रयोग रहेगा। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए कितना खास रहेगा इस बार गणेश उत्सव, ये जानेंगे नीति जी से। नीति जी बताइए। धनु राशि गुरु प्रधान राशि है और कहीं ना कहीं ये राशि ज्ञान की कारक है। आप अगर धनु राशि का आकृति भी देखेंगे तो एक तीर की तरह, तो बहुत फोकस्ड होते हैं धनु राशि वाले लोग और अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन क्योंकि चंद्रमा स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहा है तो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र बनता है और आपकी लिए ये लाभ भाव की राशि है, यानी कि लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। और दूसरी तरफ दशम भाव और नवम भाव यानी कि कर्म और भाग्य के भाव का संबंध बना के विष्णु लक्ष्मी योग भी विशेष रूप से बन रहा है। बुध और सूर्य की युति आपके भाग्य भाव में सूर्य की ही सिंह राशि में होने से कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। वहीं पे गुरु की दृष्टि है आपके दशम भाव में और आपके धन भाव में। तो ओवरऑल अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो जो लोग लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो वहाँ से वो आपको सक्सेस मिलने वाला है। कोर्ट केसेस में आपकी विजय होने वाली है, कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ धन है वो आपको पुनः प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल, तो धनु राशि की तो बात हो गई है, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मकर राशि की। तो करिश्मा जी बताइए मकर राशि के लिए गणेश उत्सव कितना खास रहेगा। देखिए मकर राशि की अगर हम बात करें तो वैसे भी इनकी शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि की ही राशि है ये, तो कहीं ना कहीं इस दौरान जो है आप लोगों के कामों में पहले ही बाधाएं आ रही होंगी, परेशानी आ रही होंगी। शनि भी वक्री चल रहे हैं और वक्री शनि जो होते हैं कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मों के आधार पे ही आपको फल प्राप्त करवाते हैं, यानी कि जो आप पूर्व कर्म कर चुके हैं उसके आधार पे ही आपको फल प्राप्त करवाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये समय बेहतर भी होगा, कुछ लोगों के लिए समय कठिन भी होगा। बिल्कुल, मकर राशि की बात हो गई है और अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। तो बताइए आचार्य जी कि कुंभ राशि के लिए कितना खास होगा गणेश उत्सव। देखिए कुंभ राशि में शनिदेव स्वयं विराजमान हैं और वक्री अवस्था में विराजमान हैं और इस पूरे गणेश उत्सव के दौरान समसप्तक योग का निर्माण हुआ है और सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में है। कुंभ राशि वालों के लिए यह पल जो है, यह गणेश उत्सव का जो समय है, अद्भुत अविस्मरणीय रहेगा अगर आप इसका सदुपयोग कर लेंगे, नहीं तो तनाव आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खास करके अगर आप वैवाहिक जीवन में कोई लीगलिटीज का विषय है, कानूनी विषय में आप फंसे हुए हैं, उस विषय में आपकी मुसीबतें बढ़ा देगा, तो उसके लिए आपके लिए बेहतर है कि जब आप गणेश विसर्जन कर रहे हों या आप नहीं भी स्थापित किए हों तो अगर कहीं आसपास आपके गणेश विसर्जन हो रहा हो तो वहाँ जाएं और उस घाट के आसपास, चाहे वह नदी का किनारा हो चाहे वह समुद्र का किनारा हो, वहाँ से हल्का सा मिट्टी या जल स्पर्श करके आप एक मंत्र के साथ अपने नाभि पर और मस्तक पर तिलक करिए, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र और मस्तक ब्रह्मचक्र यह दोनों जिस भी पुरुष का, मानव रूप में या स्त्री या पुरुष का, वह बैलेंस रहेगा, उसको जीवन में किसी चीज की समस्या नहीं हो सकती है। अब आखिरी राशि की भी बात करेंगे, मीन राशि की बात करते हैं। नीति जी बताइए मीन राशि के लिए कितना खास रहेगा गणेश उत्सव। गणेश उत्सव तो सबके लिए खास है क्योंकि पंच देवताओं में से एक भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और सूर्य देव के अलावा
पंच देवताओं में भगवान श्री गणेश का नाम सबसे पहले आता है। रिद्धि सिद्धि के ये इनकी भार्याँ हैं, शुभ और लाभ इनके पुत्र हैं और कार्तिकेय जी इनके बड़े भाई हैं। शिवजी और पार्वती के ये परम प्रिय पुत्र हैं, तो निश्चय रूप से इनकी कृपा दृष्टि अगर हम सब पे हो जाए तो सारे ही कष्ट जो हैं विघ्न शांत हो जाते हैं। मीन राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप लोगों की राशि के स्वामी गुरु हैं जो इस समय मृगशिरा नक्षत्र से यानी कि मंगल के नक्षत्र से गोचर करते हुए आपकी राशि और लगन से तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को दर्शाता है, आपकी भागदौड़ को दर्शाता है। तो इस कालखंड में आप लोगों की मेहनत बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे रिजल्ट्स लाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा का गोचर भी आज के दिन आपके अष्टम भाव से स्वाति नक्षत्र से हो रहा है। तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अ सडन आपको स्ट्रेस दे सकता है, तो ये विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। तो गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है, मान्यता क्या है, पूजा कैसे करनी है और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने आपको बताया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे खास शो का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल